अगर आप या आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है और ट्रेन से ट्रैवल करता है तो आपके लिए इंडियन रेलवे की तरफ से एक गुड न्यूज है। इंडियन रेलवे जल्द ही वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे टिकट पर मिलने वाली रियायतों यानी कंसेशन को दोबारा शुरू करने की तैयारी में। रेलवे इस पर विचार कर रहा है, लेकिन इस बार नियमों में कुछ बदलाव होने की संभावना है। टिकटों में कंसेशन देने के लिए रेलवे बोर्ड ने उम्र की सीमा में कुछ बदलाव करने पर विचार किया है। साथ ही रेलवे के कुछ ही क्लास के टिकटों पर कंसेशन का लाभ दिया जा सकता है। इससे पहले सीनियर सिटीजन को ट्रेन के हर क्लास में किराए पर छूट दी जाती थी, लेकिन कोरोना काल में ट्रेन सर्विस बंद होने से किराए में छूट मिलने के नियम को बंद कर दिया गया था। ट्रेन ना चलने के कारण रेलवे भारी घाटे से गुजर रहा था, इसलिए किराए में छूट को बंद कर दिया गया था। अब रेलवे बोर्ड उन बुजुर्ग नागरिकों को टिकट पर कंसेशन देने का प्लान बना रहा है जिनकी उम्र 70 साल या उससे ज्यादा है। जहां तक क्लास की बात है तो रेलवे इस बार जनरल और स्लीपर क्लास के लिए टिकट पर कंसेशन दे सकता है। रेलवे का कहना है कि सीनियर सिटीजन के लिए टिकटों में सब्सिडी जारी रखते हुए कंसेशन के खर्च को कम करने का विचार है। हालांकि कंसेशन के टर्म और कंडीशन क्या होंगे इस बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। कोरोना महामारी शुरू होने से पहले सीनियर सिटीजन के लिए कंसेशन जारी था। इसमें 58 साल से अधिक उम्र की महिलाओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों को टिकट पर छूट दी जाती थी। रेलवे की ओर से चलाई जाने वाली इस स्कीम में महिला यात्रियों को 50% और पुरुष यात्रियों को 40% तक कंसेशन मिलता था। इसके साथ ही ट्रांसजेंडर को भी 40% छूट का लाभ दिया जाता था। उस वक्त ये नियम हर क्लास के लिए सामान्य रूप से लागू था। कोरोना शुरू होने के बाद रेलवे ने सब्सिडी को वापस ले लिया था।